हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हैप्पी न्यू ईयर सबको, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी जल्दी मैं हूँ, बोल रही हूँ, नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ और हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए। और लेट हो गए हैं, मतलब बहुत लेट हो गए हैं। 9:30 बजे तक हमें निकलना था, एक घंटा हम लेट हैं। और मेरे कान्हा जी जो हैं, ये मेरे कान्हा जी भी नहा चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। इन्हें मैं तैयार कर रही हूँ, इनकी जो बकेट है ये तैयार हो रही है। और फटाफट फिर जो है काम कर लेते हैं। और जो है गुड्डू नहा लिए, बच्चे सब नहा लिए हैं, तो बस फिर मिलेंगे आपसे। तैयार होने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। और आप भी बताइएगा कि आपने नया साल कैसे मनाया। और हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे देहरादून में फेमस है, शंकला देवी, वहाँ जा रहे हैं। तो बस तैयार हो रहे हैं। आगे कृष्णा दे दी फोटो सर को। तो कृष्णा जो है स्कूल गया था, इसे एनसीसी के फॉर्म में फ़ोटो जमा करनी थी, तो वहाँ गया था, उसका फोन आया था। तो जो मैं अपने लाडो को, मैं अपने लड्डू जी को तैयार कर दूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो कुछ क्या थकी तो खड़ी चढ़ाई
अनिकेत पानी पी ला चल ना कर मान पीलो बहुत टेस्टी पानी है काला बहुत हो रहा फोन तुम्हारा काला बहुत हो चल ये तो रही बर्बाद कर दिया अनिकेत ठंडा पिलाऊंगा चलो मैंगो आओ तो यहाँ पे जो है मंदिर में हम लगभग पहुँच ही चुके हैं और वैसे इतनी दूर नहीं है ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है लेकिन जो उसकी चढ़ाई है ना वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी तो उसमें बहुत थक जाते हैं और मैं कई सालों बाद आई तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी चलते चलते भी मेरे सीने में दर्द उठ रहा था इतनी हालत ख़राब हो गई थी ऐसा लग रहा था कि बस अब मरना ही है तो ये मेरे हस्बैंड जो है मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे ला रहे थे खींच खींच के तो ये था कि हाँ जाना है अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ लेंगे कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और कुछ नया साल था फिर शनिवार भी था तो बहुत भीड़ होती है उस दिन और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं हमारे देहरादून का ये फेमस मंदिर है संतला देवी और बहुत ही मान्यता है इनकी मैं तो अब जब आई हूँ मैं बहुत साल बाद आई हूँ 10-12 साल हो गए होंगे जब मैं आई हूँ बहुत सालों बाद आई हूँ लेकिन हाँ पहले मैं आया करती थी मम्मी पापा के साथ आया करती थी बहुत आते थे तो उस टाइम जो है ये रास्ता जो है पक्का नहीं बना था कच्चा रास्ता था बड़े बड़े पत्थर थे और
रेत थी तो पत्थरों को पकड़ पकड़ के हम चढ़ जाया करते थे, और उस टाइम हम जवान भी थे। अब तो ये है कि अब एज भी हो चुकी है तो अब चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे भी बहुत थक गए थे, और कृष्णा तो खैर इतना थका नहीं था, गुड्डू भी थोड़ी बहुत थकी थी, यानी कि ज़्यादा थक गया था कि वो थोड़ा सा कमजोर सा भी है। और फिर हमें पता लगा नीचे जहाँ वहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई तो उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत है, आपको शाम हो जाएगी, आते आते अंधेरा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा मन में वो भी था कि कहीं लेट ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि रात को भी यहाँ मंदिर बंद हो जाता है, कोई नहीं रुकता है। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, सामने से ही मसूरी दिखता है और ये पहाड़ है, सामने जो नदी देख रहे हैं आप ये बरसात में आती है और फिर सूख जाती है, लेकिन हम जब छोटे थे जब आया करते तो ये नदी जो है बारहमासी चला करती थी, बहुत अच्छा लगता था। नीचे जो नदी बहती थी उसमें हम लोग मतलब ये नहाते भी थे और खाना वाना बनाते थे, पिकनिक टाइप का बनाते थे, भंडारे होते थे। तो भंडारा तो अभी भी चल रहा था जब हम नीचे से आए, और जाते जाते तो बंद हो गया था। भीड़ बहुत थी, और वैसे तो मंदिर कोई सा भी हो जब थोड़ी बहुत भीड़ होती है, जयकारे लगते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत लंबी लाइन है और हमारे बाद तो बहुत लंबा लग गया था, बहुत लंबी भीड़ लग गई थी। तो इधर से ये वीडियो बना रहे थे, उधर से मैं कैमरा लेके खड़ी थी, तो हम दोनों लगे पड़े थे बनाने के लिए वीडियो। और बस अंदर अब थोड़ा सा ही रह गया है, अब अंदर जाके दर्शन होंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी हम दर्शन कराएँ। बस दर्शन हमने कर लिए हैं और ऊपर से फिर हमने थोड़ा खा पी लिया था और अब नीचे आ रहे हैं। और कहना चलते ऊपर जाते समय धड़कन हो रही थी तेज, और नीचे आते समय पैर कांप रहे थे, थकान चल रही थी बड़ी भयंकर वाली। हेलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो हैं अभी अभी पहुंचे हैं, और अभी 6:45 हो रहे हैं और टाइम बहुत हो गया है सुबह के गए हुए। सुबह हमें लेट हो गया था, मैंने आपको बता ही दिया था कि हम 1 घंटा लेट हो रहे, 1 या 2 घंटा लेट हो गए, 11:15 हो गए थे। और वहाँ बहुत भीड़ थी, बाप रे इतनी भीड़ नहीं देखी, पर यह है कि भीड़ देख के नंबर देख के ऐसा लग रहा था कि हमारे 2-2.5 घंटे 4 यहीं बचेंगे। फिर भी यह है कि 3-3:30 बजे तक हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हमारे कान्हा जी की भी पुजारी जी ने पूजा करी है वहाँ पे मंदिर में कान्हा जी की। कान्हा जी अभी टोकरी में, अभी बाहर निकालूंगी इन्हें। और कान्हा जी को देख के पुजारी जी ने भी उनकी पूजा करी है, फूल चुनरी पहनाई है, उन्हें फूल दिए। तो बस वो पहुँच गई, और मैं सच बताऊँ मेरी हिम्मत आज इतनी ख़राब हो रही है, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। ये नीचे से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी भी ना मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे दोबारा से मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ। मेरे पैरों में घुटनों में इतना दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकती। सोचा तो ये था कि घर जाके बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, और मेरा था कि आज पकौड़ियाँ बनाऊं बच्चों के लिए, पालक आलू पालक की, क्योंकि यह नया साल था, बच्चों को खाने के लिए कुछ आज मैंने स्पेशल बनाया नहीं है। पर मेरी सच में हिम्मत नहीं, मेरे तो घुटनों में पैरों में बहुत दर्द हो रहा, अगर मैं बैठ गई ना मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी, मुझे पता है। वो तो शुक्र है बच्चों के पापा के, जो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के खींच के ले गए और हाथ पकड़ के ही लाए, वरना मैं तो मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था दम निकल जाएंगे सच में। तो बस अब देखते हैं क्या करते हैं। सब्जी रखी हुई है, कल सेम की सब्जी बनाई थी, आलू सेम। रोटी खाएंगे या फिर खिचड़ी बनाएंगे, बच्चों को कह दिया है मैंने सुबह बना दूंगी खाने पीने के लिए। और वीडियो का एंड करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।